नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। हिंदुत्व की रक्षा के लिए बाला साहेब ठाकरे ने 55 वर्ष पूर्व राजनीतिक पार्टी से दूर शिवसेना नाम से संगठन की स्थापना की और शनि शनि शिवसेना पूरे महाराष्ट्र सहित भारत देश के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ी। इसी परिप्रेक्ष्य में शनिवार को लौंडी लोहारा के संबलपुर स्थित रेस्ट हाउस में शिव सैनिकों ने पूरे हर्षोल्लास से शिवसेना स्थापना दिवस मनाया। साथ ही साथ शिवसेना प्रदेश संगठन महामंत्री श्री राजेश ठावरे ने बालोद जिला युवा सेना की कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें शिवसेना जिला सचिव हर्षवीर कसार के कार्यशैली को देखते हुए उन्हें युवा सेना जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हर्षवीर कसार ने बताया कि आज शिवसेना स्थापना दिवस के साथ ही मेरा जन्मदिन भी है और माननीय प्रांत प्रमुख धनंजय सिंह परिहार जी और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री राजेश ठावरे जी ने मुझे नई दायित्व सौंप कर मुझे सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया है। और हर्षवीर कसार ने कहा है कि हिंदुत्व की रक्षा के साथ जिले में शिवसेना के नियम और दायित्व का बेहतरीन क्रियान्वयन करूंगा। सर जी, 55 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना का गठन किया जी। एक राजनीतिक पार्टी ना होते हुए बाला साहब ठाकरे का नाम ही काफी था, जिन्होंने आज भारत देश में हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो बीड़ा उठाई थी, उस बाला साहब ठाकरे के नाम से ही बड़े बड़े नेता लोग कांपते थे। तो आज ये राजनीतिक परिदृश्य में, आज जिला में जो गठन हो रहा है, क्या पार्टी के कार्यकर्ता शिवसेना इस कदम को आगे बढ़ाएंगे? आप ही के जिले के और सबसे युवा साथी हर्षवीर कसार को युवा नेता के रूप में जिला प्रभारी बनाया जा रहा है और इनका व्यक्तित्व आप देखेंगे आगे, और आपने पहले भी देखा होगा शेर जैसे दहाड़ते हैं ये। और शिवसेना इस वक्त छत्तीसगढ़ में महासदस्य अभियान चल रहा है, समस्त जिलों में ऐसे बाला साहब के चाहते लोगों को, बड़े बड़े शेरों को ढूंढ के निकाल रही है युवा साथियों को। आप शिवसेना का उग्र रूप देखेंगे,